मैंने लगत तो शांत नहीं था पर शांत तो पाड़ी दी मैंने ऐसा सोचा था कि इसको शांत करना मुश्किल है क्योंकि सब बिजनेसमैन है बहुत खुशी और आनंद की बात है ये सेशन के बाद सब फ्री हो गए थोड़ी एनर्जी भी आ गई इससे पहले थोड़ा सीरियस चलता था सेशन हंसी खुशी कम थी हम एक घंटे में आप मोबाइल बंद रखना क्योंकि मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ और ना मैं प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ क्योंकि मेरे अंदर से जो निकलता है वही मैं बोलता हूँ इतलिए काफ़ी बार मैं बोलता हूँ कि मैं स्मार्ट बोलूँ के नहीं बोलूँ मेरे को पता नहीं है स्मार्ट नहीं मेरे हूं मैं लेकिन हार्टली बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ जो हार्ट से निकल गया शब्द अभी हम बीरेन भाई के साथ बैठे थे तो बात करते थे तो हार्ट से निकल गया नौ कोई आयोजन नहीं था बहुत हार्ट से निकल गया कैसा निकल गया आपको वहां से मैं स्टार्ट करूँ कि हम कभी कभी मिस बस कैसे हमारी अपॉर्चुनिटी मिस्ट करते हैं वो बात लेके मैं स्टार्ट करूँगा मैंने बताया ऐसा मेरा प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं होगा कहने में कुछ गड़बड़ होगी मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ हार्ट से बोलता हूँ स्मार्ट से नहीं मेरे पास मैं तो चार सोपड़ी पढ़ा आप ज्यादातर लोगों को पता ही है बीरेन भाई ने मेरे को बताया कि तो मेरा फादर मैं दामनगर का हूँ मैं दामनगर के बाजू का गांव का हूँ तो बोला दामनगर का हूँ मेरा फादर ग्रैंड फादर पढ़ने के लिए लास्ट में उसने घर बेच दिया बिरेन भाई ने बताया मेरा फादर ने मैंने बोला कि आप दामनगर के तो घर होगा तो क्या नहीं हमारे वहाँ कुछ नहीं है लेकिन मैं दामनगर का हूँ मेरा फादर ग्रांड ने सिल्ला घर बेच के पढ़ाई किया उसने बोला घर तो बनाएंगे दूसरी बार पढ़ाई करनी चाहिए घर बेच के उसने पढ़ाई किया मैं बात करता था क्या मिस्टर बस मैंने बोला तो अभी आप वही ना वही घर पहले ले लो फादर ने घर जो बेचा वही घर आज जाके ले लो गांव में घर होना चाहिए अपनी सातवीं पेढ़ी भी याद रखना चाहिए ये फादर का आपने रिटर्न गिफ्ट देने का है बेचा वो भूल जाओ लेकिन आज ने आज ले लो तो वो अभी से आप मानेंगे नहीं अभी से खुश होने लगे जैसे मैंने घर ले लिया जैसे उसको आनंद होने लगा मैंने एक बार ये करके देखो पूरी लाइफ आपको खुशी की स्मेल आएगी खुशी की फॉर्म आएगी खुशी की एनर्जी मिलेगी क्योंकि आपने तीन पेढ़ी पहले जो दादा ने घर बेचा था वो घर लिया ये गांव का हमारा प्रेम वो वतन प्रेम वो राष्ट्र प्रेम वो हमारा परिवार प्रेम वो दिखाता है आप ले लो मैंने बता बोला अभी जाके ये ही पहला काम करूंगा मैंने आज प्रेरणा ली मैंने बोला कि ये ही हम करते हैं काफी बार प्रोग्राम सुनने जाते हैं लेकिन सब जो अपने यहाँ शेख अल नयन आए थे उसके मैंने उसको दूसरी बार सुना मैं इंग्लिश कुछ जानता नहीं हूं लेकिन वो तैयारी करके आता है और बताता है इसमें से हमको कौन सी चीज काम की है वो हमारे दिमाग में हमको लेनी चाहिए कोई भी प्रोग्राम में जाए हम लोग बिजनेसमैन है हम टाइम वेस्ट नहीं करते हम बिजनेसमैन है इसमें से हमको तो हमारा काम का लेना ही चाहिए ये बार बार नहीं निकलेगा ये शब्द तो बार बार नहीं आएगा मैंने काफ़ी बार बोला है कि दुनिया मेरे को क्यों जानती है पैसे से नहीं जानती मेरे से तो काफ़ी आगे पैसे वाले हैं लेकिन आज मैं जो बोलने वाला हूं मेरा अनुभव तो है ही मेरी स्टोरी तो इसमें आ ही जाएगी मैं इसलिए बोलूंगा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है अंबानी से लेके अदानी तक का अमिताभ बच्चन से लेके नरेंद्र भाई तक का मैं डायरेक्टली शायद आपको अतिशयोक्ति लागे मैं तो उसको जानता हूं और हम सब जानते हैं लेकिन मेरे को वो लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से वो मेरे लिए वैल्यू है मैं उसको जानता हूं वो वैल्यू नहीं है वो चारों चार हस्ती अमिताभ बच्चन नरेंद्र भाई मोदी अनंत अंबानी अने गौतम भाई अदाणी चारों मेरे को रिस्पेक्टली मैंने विनोद भाई को अभी बताया रिस्पेक्टली जानते मेरे को सरप्राइज लगी कि गौतम भाई को मेरी सब स्टोरी क्यों पता है भाई मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं जितना मेरा नाम है मैं अभी बच्चे को बोलता हूं नाम बढ़ गया अभी मूढ़ी बढ़ाओ पैसा बढ़ाना पड़ेगा पैसे से आगे नाम चला गया है पर डॉन्डवरी की तू हमारा रिस्पेक्टली हम खुशी है आनंद है और हमको ये अंबानी से लेके अदानी तक लोग रिस्पेक्ट से जानते हैं, पैसे से नहीं जानते नरेंद्र भाई भी काम से जानते हैं पैसे से नहीं जानते और आप सब भी कोई भी परिचय मेरा देगा आइए सरप्राइज है या तो ये एक रहस्य है एक स्टोरी का ये मर्म है बताने का भी मर्म है क्यों जानते हैं वो गाड़ी की वजह से हेलो गाड़ी लिया इसकी वजह से नहीं गाड़ी दिया इसकी वजह से आप समझो ये ये मैंने ये लोगों के ऊपर अंबानी के ऊपर अदानी के ऊपर नरेंद्र भाई के ऊपर मैंने भी थोड़ा थिंकिंग किया भाई इतनी बड़ी हाइट इत, क्यों ये पहुंची कैसे उसने विकास किया उसका क्यों विकास हुआ और हमारा भी क्यों हो सकता है इसके ऊपर मैं गौतम भाई ने बोला आप फोटो अरे विनोद भाई ने फोटो देख के लगता है साइंटिस्ट में जो शार बड़ा वो साइंटिस्ट अभी भी साइंटिस्ट नहीं हूं लेकिन मैंने रिचर्स बहुत किया है थिंकिंग बहुत किया है वो बोलते थे साइंटिस्ट लगते हो मैं साइंटिस्ट श्यार ही बना साइंटिस्ट की तो बात ही नहीं लेकिन मैंने थिंकिंग बहुत किया ये लोग क्यों सफल है नरेंद्र भाई क्यों सफल है मैं नरेंद्र भाई की बात अपनी बात से मेरे को सिमिलर लगती है मेरा तो एक टका काम नहीं है गौतम भाई से के अंबाणी से के नरेंद्र भाई से फिर भी ये लोग मेरे को अच्छी तरह से जानता है वो मेरे काम की वजह से और छोटा सा काम है मैं ये बताने जा रहा हूं हम सब लोग यही कर सकते हैं कोई चमत्कार नहीं है आप सबको ऐसा लगेगा सही में सब बिजनेसमैन है छोटा मोटा दुबई में बैठे हैं कोई लल्लू पंजू तो होगे नहीं हेलो सभी बिजनेसमैन सब कुछ कर सकते हैं और ये लोग अनंत को छोड़ दो मुकेश भाई को छोड़ दो लेकिन धीरू भाई हमारे वाले ही थे जैसा हमने स्टार्ट किया वैसा ही धीरू भाई ने पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया था आज उसकी थर्ड पेढ़ी जो काम कर रही है क्यों आगे है मैं उसका रहस्य बताऊं वो सीक्रेट है हम लोगों को वो डेवलप करना चाहिए हमारे पास वो भी ताकत है मैंने देखा है मैं इसलिए बात करू मैं मेरी बात में नरेंद्र भाई आ जाएगा मेरी बात में अनंत आ जाएगा मेरी बात में गौतम भाई आएगा मैंने तीन तीन घंटा उसके साथ डिस्कशन किया है मेरी एक मिनट मेरे को देने की मेरे इसके लेवल पे डिफरेंस है फिर भी मेरे को तीन तीन घंटा उसने बात किया इसका मतलब है कि वो काम को जानता है काम को चाहता है प्रेम से जानता है और ये मैंने रिचर्च किया है हम सब लोग उसका मैंने रिचर्च किया ये लोग क्यों सक्सेस है मैं भी सक्सेस हूँ क्योंकि मैं सारा बारह रुपया टिकट लेके आया था सत्योतर की साल में सूरत में साढ़ा बारह रुपया हाफ टिकट थी बस की पच्चीस रुपया फुल टिकट थी मैं तेरह साल का था लेकिन अरे बारह साल का था और हाफ टिकट बारह साल के अंदर लगती थी इसलिए हाफ टिकट लिया था आज हमारा पंद्रह हजार करोड़ का एक्सपोर्ट है मैंने तो बहुत खुश हूँ मैं तो बहुत हैप्पी हूँ नो no डाउट पर ये लोगों के सामने आज भी मैं कुछ नहीं हूं लेकिन ये लोग सक्सेस है मेरी भी शुरुआत इसमें ही है मैं क्यों सक्सेस हूं मैं क्यों सफल हुआ मेरा क्यों नाम हुआ इसमें कोई चमत्कार नहीं है आप भी कर सकते हैं दुनिया का कोई आदमी कर सकता है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है मैं इतना आज तो बोल सकता उस सब एक्सपीरियंस लेके आप सबके साथ रह रहे के बाद मैं बोल भी नहीं सकता मैं न कम से कम बोलने वाला स्टूडेंट था जो चौथी में मैं पढ़ता था तो लास्ट की बेंच में बैठता था मैं दूसरे वाले का देख के लिखता था मेरे पास कोई स्किल नहीं थी लेकिन डेवलप हो गई और कई क्यों हुई कि मेरी एक ही काम थी मेरे पास एक ही शस्त्र था मेरे पास एक ही गुण था मैं मानता हूँ जो ये बड़े बड़े लोगों के पास है उसके मैं रिलेट करता हूं इसके लिए मैं सक्सेस हूं कि वो लोग की जो भावना थी वो मेरे पास थी आज अदाणी के पास जो भावना है अंबानी के पास जो भावना है नरेंद्र भाई के पास जो भावना है वो मेरे पास थी बारह रुपया टिकट के टाइम पे भी मैं सक्सेस हुआ भावना की वजह से अब भावना क्या है भावना क्या बोलते हैं भावना खुश बात करने से भावना नहीं आती है बात करने से भावना डेवलप नहीं हो जाती है रियलिटी में आप, 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 आपने कभी बिलीव नहीं किया होगा कभी सोसा नहीं होगा अनंत अंबानी दो हजार अरे दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस हाथी की सेवा कर रहा है हाथी की गणपति तो मूर्ति टेचू है ये रियल गणपति ये है जो अपने बाबा वो मैयत वाला मांग मांग के हाथी को छोड़ देते हैं नई काम का रहता है और हाथी बहुत बहुत पेन लेके मरता है या तो मार देते हैं काम का नहीं रहता है ये हमारा गणेश है अनंत अंबानी खुद ने शब्द बोला हुआ ये हमारा गणेश ये पूजा करनी चाहिए ये मैंने देखा है 200 सो हाथी की सेवा करता है 200 सो हाथी यंगस्टर लड़का ये भावना देखो धीरू भाई का इन्वेस्टमेंट है उसकी जनरेशन टू जनरेशन इसकी भावना देखो हाथी के लिए तीन महावत रखते हैं सेवा करने के लिए हम हमारा माँ बाप के लिए सेवा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और एक आदमी नहीं रखते हैं तीन हाथी एक हाथी के पीछे तीन महावत अरे हेलो पंद्रह किलोमीटर उसको वॉकिंग कराने का मतलब कराने का बॉडी चेकअप कराने का मतलब कराने का मसाज कराने का मतलब मसाज कराने का हाथी को हाइड्रो मसाज कराने का कराने का हाथी को जो एनवायरनमेंट चाहिए सब देने का सलाम आदमी को नहीं देते हमारा एम्प्लॉय को नहीं देते मैनेजर को नहीं देते हम वो हाथी को एनवायरनमेंट देता है ये कुदरत इसकी भावना देखो क्यों सक्सेस है पैसे के पीछे नहीं तो पैसा इसके पीछे दौड़ता है सफलता इसके पीछे दौड़ती है मैंने मेरी आंखों से देखा है ये ये भावना मैंने आज तक कोई यंगस्टर बिजनेसमैन मिलियनर का बेटे में नहीं देखी वो मैंने अनंत में देखी मेरा कहने का मतलब भावना की वजह से वो सक्सेस है अरे आपने नहीं देखा है इसके लिए हॉस्पिटल हमारे लिए हॉस्पिटल हमारे पास हॉस्पिटल हम जो अंबानी हॉस्पिटल जैसी है ना मैं मेरा भाई का ऑपरेशन किया तो अंबानी में मैं पहली बार गया था हमारे कुटुंब में हम लोग 35 लोग हैं 36 बच्चे से लेके मेरा पिताजी 84 का जो बहन और फोई चली गई उसका तो पचपन लोग हैं, तो ससुराल चले गए वो गिनते लेकिन आज हम एक घर में छत्तीस लोग रह रहे हैं इसमें से पहला ऑपरेशन आया था मेरा भाई का वो हमने अंबानी में किया था जो अंबानी में हॉस्पिटल आदमी के लिए हमारे जैसे लोगों के लिए है ऐसी हॉस्पिटल एनिमल के लिए उसने जामनगर में खड़ी किया है बंदर घोड़ा हाथी एनिमल कुत्ते वो बच्चो खिसकोली बिलाड़ी काकीड़ा मोर वर्ल्ड वाइज कोई भी वर्ल्ड वाइज एनिमल कोई भी वर्ल्ड वाइज एनिमल दिक्कत है तो गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट उसको बोलती है उसको ले जाओ खुद का प्लान लेके कोई भी एनिमल सीता है कि सिंह है हाथी है कि गेंदा है के राइनो है कि कोई भी चीज़ वो सेवा करता है वहाँ सेवा करता है हम लोग आदमी की सेवा नहीं करते ये जीव की इतनी आप तो जैन है अब आप, आप लोगों को तो वो सेवा कितनी महत्वपूर्ण होगी आप कितने ये जिद्ता जाता दाखला है कि वो जैन कितना पवित्र है ये सृष्टि में ये सृष्टि में कोई भी एनिमल को बीमारी है तकलीफ है पीड़ा है वो जाके वहाँ हॉस्पिटल करा के खरा करा के उसको खुराक देके उसको सही करते हैं ये इसकी भावना है इसलिए रिलायंस इधर है काम तो बाय प्रोडक्ट होगा सक्सेस था बाय प्रोडक्ट होगी हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए मेरा कहने का मतलब मैं तो, मैं तो तो की भी सेवा करता है एक भी एनिमल ऐसा नहीं है कि वो सेवा नहीं करता है इतनी बड़ी सेवा करता है हम लोग हमारी फैक्ट्री में कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जवाबदारी पूरी नहीं निभाते परिवार में फैक्ट्री में एम्प्लॉय में कहा गड़बड़ है हमको शुरुआत अपने से कर, ये इसके लिए उसने 2500 लोग रखा है 2500 लोग ये एनिमल की सेवा के लिए रखा है और 2500 लोग का रहने का खाने का बैठने का रह, ये सब वो प्रोवाइड करता है आपको मगज में नहीं बैठेगा ये पागल लगेगा आपको लगे ये मोटिवेशन क्यों ये इसका ये इसकी ऐड करने आया ऐसा लगेगा लेकिन रियलिटी है हम भी इसमें से प्रेरणा लेते हैं मैं भी प्रेरणा लेता हूं मेरे को क्यों ये पसंद है हम लोग भी पांच टोटल मिला के चार सौ गायों की सेवा करते हैं नो एक भी कॉमर्शियल और कोई नंदी की सेवा नहीं करता मैं भी नंदी की मेरे पास सवा सौ नंदी है नंदी को खाना पीना रहने का बस बंदो बस कोस इस पर आवक नहीं है नंदी की क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा एनिमल प्रेमी मेरे पास भी बर्ड पार्क है मैं भी ये छोटे से ऐसा था इसलिए मैं सक्सेस हूँ मैं बहुत मैं कारखाना फैक्ट्री में मेरा टेक्निकली मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है मैं काफ़ी बार बोलता हूँ मैं डायमंड में मेरे पास हमारे एम्प्लॉय के पास जो नॉलेज है इसके सामने मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है मैं काफ़ी बार गुजराती में हमारी कहावत है मैं कुछ नहीं जानता लेकिन कौन जानता है वो मैं जानता हूं मने कई खबर नहीं पड़ती पर कोने खबर पड़े से ये मैंने खबर पड़े से। मैं जिसको आता है उसको काम दे देता हूं और वो अपनी जिम्मेदारी 100 परसेंट मैं विश्वास के साथ काम देता हूं वो 100 परसेंट जिम्मेदारी मेरे से अच्छा काम करके दिखाता है मैं कोई आज भी टेक्निकली मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मैं ये जानता हूं कि कौन जानता है ये इसकी वजह से खाली एक ही पॉइंट मेरे पास है इतनी मेरे पास स्किल है मैं इसलिए ट्रांसपेरेंसी बोलता हूँ लेकिन मेरे पास भावना शुद्ध है आपको लगेगा यार ये ये, ये आइडिया कहाँ से आया मेरी भावना अच्छी थी मेरे को एक ही आदत थी एक कोई स्वभाव था बचपन से लेके मैं जब भी फैक्ट्री में काम करता था मेरा पहले महीने का 1977 में पहले महीने का एक सौ ने उन्सी रुपये का पर मंथ की सैलरी मेरी थी पर मंथ की सैलरी एक सौ उगणसी रुपया और मैंने कभी आज तक लाइफ में अकेला फैक्ट्री में आइसक्रीम के नाश्ता चाय कॉफी अकेला कभी नहीं पिया है दो आदमी मेरे साथ रहता था तभी भी और आज भी ये मेरी भावना थी अकेला मैं कभी घूमने नहीं गया अकेला कभी खाना नहीं खाया अकेला तभी से लेके मेरे का मेरा स्वभाव था कि मैं माहौल में रहता था लोग मेरे को पसंद करता था जो पसंद लोग है मैं लोगों को पसंद करूं या नहीं करूं लेकिन लोग मेरे को पसंद करता था क्यों? कि मेरा स्वभाव ऐसा था मेरे को सब साथ में मेरे को टूर करने की है समझो मैं एक बार मेरा फैमिली इधर है मैं तीन बेटे को लेके आया हूँ छोटे भाई का बेटा है एक बड़े भाई का बेटा है एक मेरा बेटा है जहां जाता हूं मेरा फ्रेंड समझो कि मेरा दोस्त समझो कि मेरा मित्र समझो कि पी समझो ये बेए... बेटा ही होता है ये एक ट्रेनिंग है एक लर्निंग है मैं रिलेशन ट्रांसफर करता हूं मेरे मेरे को कि, कि, किस किस लोगों से सब रिलेशन है अपने आप को जान जाएगा अपने आप को बड़ा हो जाएगा अपने आप को सीख लेगा अपने आप उसको अंदर से कुछ प्रेरणा मिलेगी ये लर्निंग है ऐसे मैं बचपन से सबको साथ में हम लोग नहीं इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश नहीं आता था लेकिन हमारा बिजनेस बढ़ने लगा तो मेरे को पता चला कि इंग्लिश तो आना चाहिए तो बच्चे को सबको पहली बार मैं एटी एट में, में इसराइल गया था एटी सेवन में एटी सेवन में इसराइल गया था ना तो हिंदी अच्छी आती थी आज तो मैं काफ़ी अच्छी बोल लेता हूँ बोल लेता हूँ ना, हेलो मैं तो जानता हूँ बोल लेता हूँ आप मानो या ना मानो हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ इंग्लिश नहीं बोल सकता हिंदी बोली लेता हूँ तभी तो हिंदी नहीं आता था इंग्लिश की तो बात ही नहीं और हिब्रू इज़राइल में हिब्रू में मैंने में रफ परचेस किया तीन चार वर्ड सीख लिया यस या नो हाउ मच कैलकुलेटर में दिखा देने का अपना धंधा चला तब से मेरे को जो पीड़ा थी मैंने इंग्लिश मीडियम में बच्चे को डाला था और इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाया बच्चा आठ दस साल का हुआ बारह साल का साथ में घुमाना चालू किया हम बहुत विदेश तो जाते थे साथ में क्यों घुमाते थे शॉपिंग करने जाने का है तो ये बच्चे हैं तो प्राइस, ब्राइज कैलकुलेशन इंग्लिश में एंट्री एड्रेस ढूंढे साथ में ही रखते थे साथ में ही रखते थे साथ आप मानेंगे नहीं आज बड़ा सबसे बेटा है चालीस साल का हुआ जनरेशन गैप जीरो है क्योंकि स... जन्म से साथ में है जनरेशन गैप ही नहीं है जो मेरा स्वभाव उसका ऐसा स्वभाव मेरा श्वाइस उसकी शॉइस मेरे को जो पसंद है उसको पसंद है नो जीरो गैप ये भी एक बिजनेस की स्टाइल है तो हमको तो बाय प्रोडक्ट सब फायदा मिला मेरा कहने का को कोई नॉलेज नहीं था लेकिन हमने किया ऐसा ऑटोमेटिक काम हो गया जैसे ये लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और हम साथ में रखा एग्जीबिशन में जाते थे जहाँ भी जाते थे साथ में लेके जाते थे इसमें से ये स्टोरी जो गौतम भाई बता रहे हैं ना कि भाई ये बच्चे को 500 सौ रुपया लेके भेजा एक महीने की नौकरी करने के लिए ये लंदन में से एग्जीबिशन में से ये पॉइंट हमको आया था इसलिए ये ट्रेनिंग चालू किया लंदन में हम लोग गए थे एग्जीबिशन ख़त्म करके हमारे साथ बारह पंद्रह लोग थे खाना खाने गए थे खाना खाने के बाद हमने विनोद भाई बिल देखा तो चला बिल तो तगड़ा था क्योंकि हम लोग को तो बिल देखने की आदत है ना तो बोला बड़े भैया छोटे भैया का बेटा था मैंने बोला ये चार पाउंड का क्या लिखा है कि पापड़ लिखा है इधर पापड़ खाने आए हैं तो उसने बोला कि प्राइस देखी थी पापड़ नहीं देखा था आप खाते हैं हर रोज घर पे तो मंगवा लिया प्राइस देख के नहीं पापड़ देख के मंगवा लिया प्राइस देखना चाहिए ना भैया तू ऐसी आइटम कुछ खिला जो देश में नहीं मिलती है लेकिन इधर पापड़ क्यों मैंने बस डाटा नहीं लेकिन उसने बोला प्राइस देखी नहीं थी पापड़ खाली देखा था तो मैंने ये तभी से मेरे दिमाग में घंटड़ी बजी उसको पैसे का परिचय कराने का है साले को पैसे की तकलीफ पड़ी नहीं है ना पैसे कभी देखता नहीं है तो पहले प्राइस देखने की है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले तो मैंने ये छः महीने तक ये सर्वे किया और आज से 22 साल हुआ कितना धर्मेश 22 साल हुआ ना ये धर्मेश गया था पहली बार खड़ा तो 22 साल पहले गया था वो तभी वो 22 साल का नहीं था 20 साल का ही था 22 साल पहले मैंने तीन बच्चे को भेजा था बिना पैसा बिना परिचय और तभी तो मोबाइल नहीं था आज एक चैप्टर एड हुआ मोबाइल बिना मोबाइल जाने का एक महीना नौकरी करने का चार नौकरी करने का और बाद में पैसा बचा के आने का और पता चले कि हम ग्रेजुएट हुए हैं हम ये हुए ये इसके लड़के हैं, इसके लड़के हैं लेकिन हमारी कोई वैल्यू नाम देने से ही वैल्यू होती है कोई जानता नहीं है हमारी क्या वैल्यू है एक महीनों में पैसा कमा के आओ वो आप वैल्यूबल है और जितना खर्चा करने का इतना करो आप कमा के खर्चा करो और पैसा बचा के आओ हम खाली पेट के सिवा कुछ नहीं कर सकते पेट भी नहीं भर सकते जो परिचय आइडेंटिटी और परिचय और पैसा और हमारे पास नहीं है तो ये परिचय कराया था आज तक वो लोग ने पहले प्राइज देखी है अभी बाद में वो जो कुछ देखता है वो प्राइज देखने की आदत वहां से हो गई और ये मैंने किया कहने का मतलब कि इसमें से हमको प्रेरणा मिल गई अभी वो काम सभी वो लोग संभालते हैं कोई भी अपने जीवन में घटना घटती है तो हम कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं जैसे मैंने बताया नरेंद्र भाई जे है मैं मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ और मेरे को वो नज़दीक से जानते हैं गौतम भाई भी नरेंद्र भाई भी और अमिताभ भी और ये अनंत मुकेश भाई नहीं जानते मेरे को अनंत जानते हैं बहुत करीबाई से जानते हैं नज़दीक से जानते हैं क्यों जानते हैं काम की वजह से हमने अभी तक मैं बिजनेस में तो गाड़ी दिया इसलिए आप आप बिलीव नहीं कर पाएंगे बिलीव नहीं कर पाएंगे गाड़ी की वजह से पचास करोड़ का बजट था दो हजार तेरह सौदा में तोरा तेरा तेरह सौदा में हमने दिया था पहली बार मेरे को शौक था गाड़ी देने का कितना माइलेज मिला कितनी लोगों की एंगल चेंज हुई बचपन से मेरा शौक था कि हमारे यहाँ सेवंती बाय है आपका जैनी है विनस जेम्स बहुत बढ़िया फैक्ट्री चलाते थे हम लोग सोच नहीं सकते ऐसा वो काम करते थे हमारे हमारे हैसियत नहीं थी सोचने की ऐसा ऐसा काम होकर तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उसका एम्प्लॉय की सैलरी बहुत हाई रहती थी हम देने का भी नहीं सोच सकते थे इतनी हाई सैलरी तभी मैंने सोचा एक बार सेवंती भाई जैसी मेरे को एम्प्लॉय को सैलरी देने की जैसा बिरिन भाई आपने बताया मैंने को सोच लिया ना सर ने बताया कि हमने सोच लिया कि अफ्रीका में, में मेरे को सरोवर बनाने का मेरे को वो टॉक नहीं अभी बात करते करते उसने सोचा अफ्रीका में मेरे को यह करने का है आप में आप, आपने किस टेक्नोलॉजी से किया मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं है आप एक बार आके देखो कोई भी आदमी कर सकता है ऐसा नहीं है लेकिन कोई सोचता नहीं है आपने सोचा हो जाएगा आपने थिंकिंग किया ये एनवायरमेंट में ये वातावरण में ये भगवान की तरह तथास्तु था, हम सोचेंगे ऐसा मिल जाएगा अभी उसने ऐसा क्यों सोचा अफ्रीका में मेरे को यह मैंने अभी तक मालूम है ये पानी का काम जो किया ना जलूस पहला सरोवर मैंने 2017 में बनाया था 2017 में पहला सरोवर नरेंद्र भाई ने मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया था 2017 में बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है तभी मैंने नरेंद्र भाई को एक आभार के लेटर लिखा था कि सर आपको मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग करके आप बिना जनरेटर बिना बैटरी एक आदमी को चार्जिंग कर दिया है मैं आपको आभार के मेरे पास शब्दों नहीं है आभार के रूप में मैं आपको क्या दू लेकिन एक राष्ट्र को मैं सरोवर दूंगा मैंने उसको ऐसा आभार के रूप में 2017 में लेटर लिख दिया था लेटर में लिख दिया था और चार महीने में मैंने बहुत के मेहनत किया कि मेरी का नरेंद्र भाई ने किया था पीएम का फैक्ट्री पीएम ने ओपनिंग किया हुआ इंडिया में प्राइवेट फैक्ट्री हमारा एक ही है हरिकृष्ण एक्सपोर्ट तो ओपनिंग किया खुश हो गया आभार का लेटर लिखा एक सरोवर मैंने बोला एक सरोवर मैंने चार महीना में एक लाख बीस हजार ट्रक माटी निकाला पच्चीस टन का एक ट्रक और मैंने सरोवर रेडी किया एक चार महीने के बाद एग्ज पूरा हुआ और कुदरत कैसे सपोर्ट करता है भावना कैसे सपोर्ट करती है भावना क्या काम करती है कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था लेकिन वो इतना खुश होके इतना खुश होके बनाने लगा चार महीना में मैं अमेरिका एक महीनों जाने वाला था फरमा फैमिली को बोला तमें जाओ मैं इधर रहता हूँ तो एक महीनों मैं जहाँ खड़ा रहूंगा तो चार महीने बरोबर काम हो जाएगा मैं वहाँ प्रेजेंट रहूंगा मैंने अठारह घंटा वहाँ मेहनत किया चार महीना में वहाँ पे सरोवर रेडी हुआ एक लाख पच्चीस हजार ट्रक माटी निकाल के और पहली बारिश में भर गया जो इधर मैं ऐसे देखते और खड़ा हूँ वही सरोवर है और चार महीने के बाद हुआ ऐसा अमरेली में नरेंद्र भाई का प्रोग्राम हुआ आने वाला था अरे मैंने ताबड़ तो पासी मेहनत चालू किया सर आपने मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया आपको मैंने आभार के रूप में एक सरोवर का वचन दिया वो सरोवर रेडी है आप आ रहे हैं मेरी फैक्ट्री ये सरोवर का ओपनिंग कर दो चार महीने में दूसरा मेरा सरोवर का ओपनिंग कर दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस से और, और मोटिवेशन हुए और खुश हो गए ऐसे बोलते हैं ना ये लोग काफी लोग बोलते हैं बहुत खुश होते हैं, तभी वसन नहीं देने का फंस जाते हैं तो मैंने सौ सरोवर का संकल्प ले लिया खुश गए 100 सरोवर का संकल्प ले लिया और दो साल काम करने लगा करने लगा मेरा छोटा भाई का बेटे का शादी था तो हम कार्ड देने गए थे तो मैंने फिर से बात चालू किया ये नरेंद्र भाई का क्वालिटी है आप देख लेना जो देश के लिए काम है राष्ट्र के लिए काम है समाज के लिए काम होगा वो ही बात सुनेगा वो और मिनट दिया मिनट देगा पंद्रह मिनट दिया है तो घंटा देगा लेकिन ये की उसको स्वार्थ है मेरे देश का कैसे भला हुआ राष्ट्र का कैसे अच्छा हुआ है मैंने उसकी भावना देखी है मैं इसलिए बार बार वो बात में आ जाता है मैं अपनी बात से लिंक करता हूं मैंने बोला हम लोग तैयारी करके जाते हैं कि वो वो उसकी क्वालिटी क्या है बात खत्म हो गई तो कह लो तर मीटिंग खत्म तो बात खत्म होनी नहीं चाहिए इंटरेस्टेड बात करने का हम चार भाई गए थे चार बच्चे साथ में थे दो भाई थे बोला मेरी बात खत्म हुआ तो आपको स्टार्ट कर देने का उसको फ्री नहीं बैठने देने का एक मिनट भी वो फ्री नहीं क्योंकि वो फ्री बैठने की आदत नहीं है अठारह घंटा काम करते हैं ये उसका खुराक है ना राष्ट्र के लिए समाज के लिए एनवायरमेंट के लिए क्या बात कर रहे हैं वो वैसे मीटिंग गाठिया वाली मीटिंग नहीं हो गया इधर हमारा सर्जन सूरत में बड़ा बड़ा सर्जन होता है हार्ड पेश हार्ड खोल के खमन खाता है बाद में ऑपरेशन करेंगे ऐसा नहीं है अपने को लगता है बॉस इज बिजी बॉस वहां नाश्ता करता है और हम लोग बिजी समझते हैं लेकिन ये है। इसका तो हमने बताया कि आपने एक फैक्ट्री का ओपनिंग किया तो हमने संकल्प लिया सरोवर बनाया एक सरोवर का ओपनिंग किया हमने सौ सरोवर का संकल्प ले लिया और हम जब भी गए थे तभी मैंने बताया पचहत्तर सरोवर अभी तक खत्म हुआ देखिए पचहत्तर सरोवर है गला, तो के अमृत महोत्सव में ले लो काल चल रहा है पचहत्तर माह मिनट है और पूरा भारत में उसने अलाउंस कर दिया पचहत्तर सरोवर हर एक स्टेट में बनाओ आपको मालूम होगा आप देख लेना काफी में पूरा हो गया यह प्रेरणा उसने लिया और तुरंत इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट आया मैंने बोला मैं इसलिए अमृत काल क्या होता है अमृत महोत्सव क्या होता है मेरे को पता नहीं है लेकिन अमृत आप एक बार स्टडी कराओ आईआईटी दिल्ली थ्रा स्टडी कराओ हम भारत का भविष्य बदल सकते हैं पानी का प्रॉब्लम आजीवन सॉल्व कर सकते हैं कैसे बहुत कम खर्चे में आप स्टडी कराओ मैंने जो किया है बहुत कम खर्चे में किया है हर साल हमें इतना हमारा भारत सरकार गुजरात सरकार पैसा पानी के पीछे एनवायरमेंट के पीछे खर्च कर रही है और रिजल्ट कुछ नहीं आता है मेरा काम का स्टडी कराओ मैंने बहुत पैसा नहीं किया है लेकिन वहां खड़ा रहकर मैंने काम किया है पचहत्तर सरोवर बहुत सस्ते में मैंने तैयार किया है उसको बात बैठ गई क्योंकि मतलब की बात थी वर्कोहॉल मानस था देश का विकास करने का था और उसने टीम भेजी चार महीने तक उसने सर्वे कराया मैंने बोला तभी मैंने तेईस लाख प्लांटेशन किया था विनोद भाई तभी मैंने पचहत्तर सरोवर और तेईस लाख प्लांटेशन किया था अभी तक का हमने लोगों ने तो पच्चीस लाख क्रॉस कर गए प्लांटेशन और वो भी जिंदा तो प्लांटेशन कर दिया झाड़ मर गया ऐसा नहीं है जिंदा है ये प्लांटेशन हमने एनवायरमेंट के लिए करता हूं मैं तो फैक्ट्री हीरा धंधा तो बाय प्रोडक्ट होता है मेन प्रोडक्ट तो ये है ये लोग तो मेरे को ये काम की जैसे पच ये ये पचहत्तर ये सरोवर ने उसने स्टडी कराया स्टडी करने के बाद चार महीना हो गया कम्प्लीटली और मैं गांव में ही था फादर साथ में था मदर साथ में और मारी मेरी वाइफ थी और बेटा था जो ये लोग मेरे को तर्न थ्री सिक्सटी डेज मदर साथ में रहती है फादर साथ में रहता है या वाइफ होती है जहाँ भी मैं जाओ मेरा खाने का सोने का चाय पीने का जो शेड्यूल है वो लोगों को पता है वो जाएगा तो खाना ही नहीं खाएगा पानी ही नहीं पिएगा तो पीछे पीछे आदमी इनको घुमाती है पानी पिला दे चाय पिला दे खाना पिला मदर होती है या तो वाइफ़ होती है जहाँ भी मैं होता हूँ चार महीने तक उसने स्टडी कराया और हम वहाँ खड़े थे सुबह में फ़ोन आया कि आपको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट करते हैं होम मिनिस्ट्री में से मैं बोलता हूँ है लेने के लिए तो इंटरेस्टेड है ना यार आप मस्ती कर रहे हो यार मेरे को तो मैंने अपलिकेश मेरे को पता ही नहीं है लेकिन ये शाम को सात बजे न्यूज आ जाएगा शाम बस किसी को बताने का नहीं शाम को तो आपको न्यूज आ जाएगा आप लेने के लिए इंटरेस्टेड है ना मैंने बोला हाँ हाँ और मैंने बोला यार तो ब्रिजेश साह तू स्टडी तो कर यार कोई कोई मस्ती नहीं कर रहा है ना ये नंबर तो दिल्ली का नंबर था और दिल्ली का नंबर तो यार हम लोग तरड डाउट करेंगे बोला ऐसा दिल्ली का है लेकिन कहाँ के होम मिनिस्ट्री का है ऐसा होम मिनिस्ट्री का है लेकिन कोई भी मस्ती होम मिनिस्ट्री से मैं से भी कर सकते हैं किसका है तो क्या आई एस ऑफिसर का है पक्का हो गया सुबह नौ बजे फोन आया शाम को सात बजे तक हमको बार महीना जैसा लगा था एक दिन ये न्यूज आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं और शाम को न्यूज़ आया पद्मश्री के लिए बिना एप्लीकेशन बिना लेना देना पद्मश्री हमको डिक्लेयर किया पहली घटना होगी ये काम की वजह से मैं किस लिए ये क्यों मेरे को पद्मश्री दिया मेरे को पद्मश्री दी के धंधे पे लगा दिया पचहत्तर पूरा हुआ अभी तो 140 पूरा हो गया इससे बड़ा कोई मोटिवेटर हो सकता है क्या इससे बड़ा कोई बिजनेसमैन हो सकता है क्या खुद का पैसा खुद का समय खुद का शरीर उसने पद्मश्री दे के मेरे को धंधे पे लगा दिया आपको मालूम है अभी तो मैं बोलता हूं बच्चे को भी मेरे को आनंद आता है नो no डाउट मैंने मेरी खुशी के लिए किया कोई उपकार नहीं किया है मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं और मेरे को खुशी मिल रही है मैं जैसे मेरे को बीना नहीं खाना नहीं सोना नहीं बैठना नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को ये काम करने दो काफी बार लोग बोलते हैं कि सरकार ने क्या मदद किया मैं कू कि बहुत बड़ा मदद किया पहले देखिए क्या किया मैं कि अभी तक मेरे को कुछ नड़ा नहीं वो मदद किया मेरे को करने दिया जो मेरे को करने का था कोई डिस्टर्ब नहीं हो विनोद आप बिलीव नहीं कर पे नो परमिशन वो ओपनिंग कर देते हैं परमिशन हो गई नो अप्रूवल क्योंकि मैं धरती का काम कर रहा हूं काफी बार वो प्रश्न आता है अपना ये रॉयल्टी का खनिज का फॉरेस्ट का गौशरण का सरकारी लैंड का क्योंकि मैं सरकारी लैंड यूज करता हूं मैं नदी वहां से निकलती है फॉरेस्ट में से निकलती है माटी में निकाल के वहां डालता हूं हमारी माटी कोई काम की नहीं है गांव वाले ले जाते नहीं है और अच्छी निकलती है तो गांव वाले ले जाते हैं तो रॉयल्टी वाला आता है मतलब भाई बिचारे को ले जाने देने भाई उसका फार्मर अच्छा करेगा फार्मिंग अच्छा होगा ये पानी मिलेगा तो धरती अच्छी होगी तो अपने आप काम होगा तू क्यों ये मगजमारी मतलब करता है तो कैसे परमिशन लेनी पड़ेगी मैं परमिशन लेने जाएंगे ना तो मेरा बाल धोला हो जाएगा काम नहीं होगा हमको तो सरोवर करने का है एक साल में तो चार महीने में मैंने सरोवर बनाया नरेंद्र भाई ने ओपनिंग कर दिया अभी क्या परमीन चाहिए हेलो पीएम ने सीएम ने राष्ट्रपति और गवर्नर ओपनिंग चाहते है कि अच्छा काम कर रहे हैं इसको तो ये करोड़पति मजदूर मिल नहीं गया हेलो ऐसा मजदूर मिलेगा क्या अब देखो इससे बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा आपको मैं मैं लिंक करता हूं मैं अठारह घंटा आज भी काम करता हूं विनोद भाई अठारह घंटा सोने का नहीं बैठने का नहीं त जाता बच्चे लोग थक जाता है दो पाली करते हैं एक दोपहर को तीन घंटा सो के बाद में आते हैं बाद में खाना खा के रात को सो के और एक बजे वहाँ फिर से मेरे साथ चाय पीने आते हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चाय पीता हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट वहाँ मेरा लंच अठारह घंटा आज भी का ये अठारह घंटा नेचर के लिए राष्ट्र के लिए समाज के लिए काम करने वाला इतना करोड़पति एम्प्लॉय बिना सैलरी मिलेगा तो मैं वैसे रॉयल्टी वाले को सर बोलता हूँ ये बात छोड़ दे रॉयल्टी बॉयल्टी ये सब करें ने? ये बिछारा फार्मर ले जा रहा है हमारे को फायदा हो रहा है क्योंकि फ्री में वो हमारा तालाब का माटी चला गया हमको ट्रांसफर करने का खर्चा बस हम भर देते हैं फ्री में उसको ऐसा लगता है कि फ्री में मिल गया अपना फार्मिंग ही अच्छा करते राष्ट्र का ही तो काम कर रहे हैं हम सब लोग और रॉयल्टी का ही की देश का काम देश का पैसा देश के लिए पानी और रॉयल्टी किसकी तो समझ जाता है वो भी समझ अच्छा वो करो आज जैसे राम राज्य की बात हम सुनते थे रियलिटी में राम राज्य है ये नरेंद्र भाई भी जानते हैं और भूपेंद्र भाई भी जानते हैं जिसको भी काम करने का है देश के लिए समाज के लिए उसको करने देते हैं उसको पता है सितर साल पुराना कायदा चेंज नहीं हो सकता करने जैसा है लेकिन 2023 में आप हम सब लोग एक बार उसको सांस देंगे तो सब सितर साल की पीड़ा जड़ मूल से निकल जाएगी शायद मैं मानता हूं ऐसा ही है मैं उसका कोई मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करता मैंने जैसे बताया ये निकल जाता है ये फेक है मैंने उसको नजीश से देखा है मेरे को प्रमोशन दिया फैक्ट्री पे आया फैक्ट्री का ओपनिंग किया इसको पता था फैक्ट्री पे आया तभी पता था मैंने उसको इसके पहले जब सीएम था तभी ज्वेलरी पार्क की हमारी लैंड से पांच लाख मीटर तभी मैं उसको मांगने जाता था कमिटी के साथ कि हम डायमंड वाला जेम एंड ज्वेलरी पार्क बनाएंगे और बेस्ट में बेस्ट फैक्ट्री मैं करूंगा मैं आपको वचन देता हूं आप ये जगह एलोट करो वो जगह एलोट किया फैक्ट्री डेवलप होने में पंद्रह साल चला गया सीएम से वो पी बढ़ गया उसने वो पार्क का ओपनिंग किया था और पंद्रह साल में कोई वहां नहीं आया मैंने पाँच साल से फैक्ट्री चालू करके फैक्ट्री दिखाया था और बढ़िया सा बढ़िया बनाया था उसके पास न्यूज़ था क्योंकि सूरत में कोई भी आदमी ना आता है पूरा भारत में से कुछ वर्ल्ड में डायमंड फैक्ट्री देखने की जी है तो सामने से हमारा कांटेक्ट करता है ऐसी हमने फैक्ट्री बनाई वहाँ वहाँ चार मेगावाट का सोलर पार्क है बे क्रिकेट ग्राउंड है जिम है स्विमिंग है आप जो फैसिलिटी मांगो वो सब फैसिलिटी है बोले आप गूगल में से ये आइडिया लिया मैंने बोला गूगल का तो मेरे को पता ही नहीं कि लेकिन गूगल ने मेरे में से आइडिया लिया वो गालो मेरे को तो अच्छा दिखता है वो करता हो तो ये इसको पता था इसलिए उसको पता था कि मैंने जो वचन दिया था पंद्रह साल पहले वो वचन मैंने पूरा किया वो उसको भरोसा था और इसलिए मेरे को वो प्रमोट मैंने बोला कोई चमत्कार नहीं हम लोग भी ऐसे ही हमारे शब्द पे हम ध्यान रखें हमारा वचन पे ध्यान रखें हमारा कर्म पे ध्यान रखें हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए यस बाय प्रोडक्ट आएगा पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा सिद्धि बाय प्रोडक्ट आएगा और संबंध भी बाय प्रोडक्ट मिलेगा जो लोगों की जरूरत है वो लोग आपके पास संबंध ले संबंध बांधने के लिए आपके पास आ जाएगा ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन है मैंने फील किया है मैंने भगवान को कभी नहीं देखा भगवान को फील किया हुआ है भगवान का काम करते हैं भगवान हमारा काम करते हैं मैं काफी बार बोलता हूं कि ये भगवान की शक्ति कोई काम करती है हम इसका काम करें हमारा काम हो जाएगा ये मैंने फीलिंग नरेंद्र भाई में भी किया है तो आप देखना राम राम मंदिर का ओपनिंग में मैं गया था आप इसमें से कौन गए थे अयोध्या में कोई आए थे हेलो अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग में नहीं मेरे राम प्रेजेंट था आपको बहुत सरप्राइज लिख में अकेला ही था कोई नहीं था इसका एक नहीं तीन घंटा में बात कर सकता हूं यह ताकत क्या है ये, ये, ये रामराज क्या है है कैसे हो पाया है? हम सब कर सकते हैं हमारा ऐसा कमिटमेंट अपने से होना चाहिए पैंतीस साल पहले नरेंद्र भाई ने बोला था कि राम मंदिर तो इधर ही बनेगा पैंतीस साल पहले बोला था नरेंद्र भाई ने राम मंदिर तो इधर ही बनेगा और बना तभी उसने ओपनिंग जो किया ज्वाइंट ओपनिंग चार हजार लोगों टोटल मिला के आठ हजार लोगों को आमंत्रण था आठ हजार में चार हजार तो अपने धर्म साधु थे सब कोई संप्रदाय का साधु लीडर नहीं था ऐसा नहीं था चार हजार संत था अलग अलग धर्म का और चार हजार बिजनेसमैन वॉलेंटियर स्टार क्रिकेटर स्पोर्ट फिल्म दुनिया बधाए थे चार हजार आठ हजार लोगों को आमंत्रण था इसमें मैं एक था हेलो इसमें तो ताली होनी चाहिए यार आयता मैं यार मैं एक था मेरी, मेरी आपने आपको मेरे अपने आप को प्राउड फील करता हूँ इसमें मैं ये पानी की वजह से मेरे को कोई और कोई नहीं सब पद्मश्री भी थे लेकिन विशेषता क्या थी उसने जो बंदोबस्त किया था आठे आठ आँट हजार लोगों का जो सिक्योरिटी रखी थी आठे आठ आँट हजार लोगों की आप बिलीव नहीं कर पाएंगे छ बॉर्डर कवर किया था एक भी चकला हिल ना सके बिना परमिशन पूरी यूपी सरकार पुलिस की सब कंट्रोल उसने दिल्ली आर्मी ने ले ली थी कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता इसकी मर्जी के बिना तीन दिन तक एक अयोध्या की ऐसी हजार की बस्ती है पूरा अयोध्या को पूरा एरिया को पता था पूरा एरिया में थे जिसका रिलेटिव था बधा सब अयोध्या में लोकल लोग के घर आ गया था लाख सवा लाख डेढ़ लाख लोग थे एक सवा लाख लोग में से किसी को एंट्री नहीं थी ये आठ हजार गेस्ट के लिए एंट्री थी पंद्रह हजार पंद्रह किलोमीटर से एयरपोर्ट से फोर लेन रोड बना दिया था दोनों रोड शणगारा हुआ था दोनों रोड पे ऊपर पूरी भारत की जो कल्चरल है प्रोग्राम चल चल रहा था सभी लोग आ रहे थे माइक्रो प्लानिंग सब सेलिब्रिटी आ रहे थे एयरपोर्ट से एक दिन में सौ प्लेन एक साल में एयरपोर्ट बनाया एक दिन में सौ प्लेन इंटरनेशनल वहां उतरा था वो दिन पे एक साल में एयरपोर्ट बनाना सौ साल की पर सौ प्लेन वहां खड़ा करने का चार हजार लोगों का टेंट सिटी बनाया था ये इसका माइक्रो प्लान राम, राम प्राण अभिषेक था राम की प्राण प्रतिष्ठा थी राम मंदिर था छे साल रप, कितना साल पांच सौ छे पांच सौ साल पहले जो टूटा था वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी छोटा मोटा तो काम नहीं था इतिहास और उसमें कुछ हुआ अपना भारत दस साल पंद्रह साल पच्चीस साल वापस चला जाता कुछ गड़बड़ हुई कुछ बॉम्ब फूटा कुछ ये हुआ अब बिलीव कर सकते हैं क्यों इतनी सिक्योरिटी थी इतना बड़ा साधु संतो एक साधु का एक स्टेज पे हम नहीं ला सकते उसको पेट में दुखता है एक को लाओ तो दूसरा नहीं आता है दूसरा लाओ तीसरा ये धर्म का है मैं नहीं आऊंगा चार हजार धर्म को एक किया तैतीस करोड़ देवता खड़ा किया था ये राम का पटांगण में सब साधु थे मतलब तैतीस करोड़ देवता आ गया उसके बीच में प्रतिष्ठा हो रही थी और इतनी सिक्योरिटी थी इतने लोग थे अमिताभ बच्चन और मुकेश भाई और मैं तीनों लाइन में थे दर्शन करने के लिए मुरारी बापू भी थे भाई श्री भी थे लोकेश मुनि स्वामी जी स्वामी जी भी था सभी थे मतलब कोई नहीं था, कोई नहीं बाकी नहीं था घंटा स्टेज प्रोग्राम चला घंटा स्टेज प्रोग्राम चला और घंटा तक सब बैठे एक एक आदमी को कोई तकलीफ नहीं वातावरण ने भी इतना सपोर्ट किया था ये इसने इसकी सोच कहाँ से आई इस तरीके का फंक्शन ना इतिहास में अभी तक हुआ है राम भगवान खुद थे ने तभी इतना स्वागत नहीं किया था इतना ये आठ लोगों का ये लोकल लोगों ने स्वागत किया था मैंने मेरी आंख से देखा है ये बंदोबस्त ये विजन फूल से शनगारा कल्चरल प्रोग्राम और सब लोग तालियां बजाते सवा लाख लोग जैसे हमारे घर पे हमारा बेटा बहुत बड़ा बिलियनर बन के आता है बहुत साल के बाद ऐसे जब परिवार हमारा स्वागत करते हैं, ऐसे स्वागत पूरा आठ हजार लोगों ना अयोध्या ने किया कि हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आ रहे कोई आज तक नहीं गया ऐसा भावना के साथ और बाद में जब हम फंक्शन खत्म हुआ तो रिटर्न जाते थे तब तक वो खड़े थे दोनों साइड पंद्रह किलोमीटर खड़े थे हमको टच करने के लिए एक आप राम मंदिर राम लल्ला का अभिषेक करके आया उसका दर्शन करके आया ये एनवायरमेंट उसने खड़ा किया था वो शक्ति कहाँ से आती है और उसने अगले दो दिन पहले बताया था कि मेरे को आपका आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी आप सब 135 करोड़ लोग मेरे को आशीर्वाद देने का कि उसको एक डर था कि कुछ भी हुआ तो हमारा देश कितना पीछे चला जाता है कुछ भी नहीं होना चाहिए इतनी आठ हजार अरे सॉरी आठ हजार लोगों के लिए बारह हजार पोलिस थी वहां खड़ी थी इतना बड़ा हवलदार नहीं एक एक नाके पे एसपी खड़ा था कमिश्नर खड़ा था बिना पत्ता हल नहीं सकता था इतना बड़ा कर ये शक्ति किसने दी कुदरत ने दी ये कैसे बना कुदरत ने बनाया नेचर ने बनाया ये क्यों किया इसकी भावना थी कि मेरे को राम लल्ला का मंदिर लल्ला हमारा भारत का ये इसका सबसे बड़ा मंदिर होना चाहिए ये इसकी भावना थी इसके पीछे आपको मालूम नहीं है आपको बताऊँ राज बताऊँ नरेंद्र भाई का बिजनेस माइंड साणिक के कहाँ भी पीछे रह गया इसकी बुद्धि देखो इसमें खर्चा हुआ सोलह सौ सो के अठारह करोड़ रुपया मंदिर में कितना 1800 करोड़ मैं आपको दावे के साथ करता हूँ हर साल बीस हजार करोड़ रुपया आएगा टूरिस्ट का वहां बीस हजार अरे करोड़, करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करके बीस हजार करोड़ लाया है अपना देश से ना संस्कृति देश है अपने को टूरिस्ट क्या होगा अपने पास हिल स्टेशन अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपने पास धर्म है हमको इसको बेस बना के हमारा देश मजबूत करे मंदिर को हमने द्रव्य ने बताया मेरे को मेरा बेटे ने बताया रुस्ते में हम आते थे कल उसने एक आदमी मिला अपना देश में पैंतीस लाख मंदिर है पैंतीस लाख मंदिर है भारत में पैंतीस लाख इंटू मानसो गिनो तो तीस टका इकोनॉमी तो मंदिरों चलाते हैं उसको टूरिज्म बनाओ पूरी दुनिया आवे हम ऐसे ही मजबूत हो जाएंगे कोई चीज की जरूरत नहीं है वो दर्शन करने आना चाहिए उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए खाने वाले का होटल वाले का बाजू वाले का धार्मिक की वजह से जैसे स्विट्जरलैंड से काश्मीर से बर्फ की वजह से स्विट्जरलैंड ग्रीनरी की वजह से मजबूत हो सकता है अपना देश धर्म की मजबूत को टूरिस्ट बना दे पूरी दुनिया वहाँ दर्शन करने आए राम लल्ला का दर्शन करने आप बैठे सभी ने किसी ने किसी ने फोटो के ओपनिंग देखते संकल्प किया होगा कि मैं राम लल्ला का दर्शन करने अयोध्या जाऊंगा ऐसा होगा ही संकल्प सबका होगा पूरी भारत का होगा ये ताकत आएगी ये इसके पास विजन है ये उसका लक्ष्य है इसीलिए उसको सफलता मिलती है अंबानी की बात इसलिए की है उसका यह विजन है कि कोई जीव मात्र दुखी नहीं होना चाहिए यह सृष्टि पे आदमी की तो बात छोड़ो जानवर भी दुखी नहीं होना चाहिए ये इसकी सोच है इसमें दो हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च करता है खाली खाना पीना रहने का दो हजार करोड़ आप, आप, आपको जिसको जो खाना चाहिए जो एनवायरमेंट चाहिए उसको ये ठंडक इतनी ठंडक चाहिए इतना टेम्परेचर चाहिए ये, ये पानी चाहिए ये फिल्टर हाथी को हाथी को फिल्टर करके इसका स्विमिंग पूल बनाया है अलग अलग एक एक हाथी को आप 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 लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पागल आदमी बात कर रहा है क्या इतना इसके पीछे बात कर रहा है लेकिन ये भावना है मैं कहने ये जा रहा हूं इसकी ये उसका कभी लाइफ में कभी पानखर ऋतु नहीं आएगा ये इसकी भावना है जैसे अदानी का गौतम भाई को भी मिला इसने इसकी स्टोरी बताया ये मेरी तरह बोल नहीं सकता नहीं खुद की स्टोरी इसकी खुद की स्टोरी उसने बोला हमने पचास साल में भारत में किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सोच के हमने धंधा चालू किया इसकी भावना तो देखो पचास साल में भारत को विकसित करने में क्या क्या चीज की जरूरत है वो धंधे में जाओ ऐसा नहीं पे पैसा मिलेगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में यस या नो सर आप तो जानते ही इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट इस तो ये ना कांग्रेस की सरकार के टाइम सोच लिया था कि ये धंधे में जाओ क्योंकि भारत को मजबूत करने का भारत की ये नीड है जरूरत पैसा तो बाय प्रोडक्ट उसको मिला है पैसे के लिए नहीं किया है ये इसकी भावना थी कि हमारा भारत कैसे आगे हमारा देश कैसे आगे जाए हमारा गांव कैसे आगे जाए ये अदानी ऊपर क्यों लिखा है ऊपर क्यों लिखा है इसने ज्यादा पैसा दिया है इसलिए ऊपर है तो, तो आप नीचे लगते ना ये तो सौदा है भगवान क्यों ऊपर ले जाएगा भगवान हमको क्यों ऊपर ले जाएगा क्योंकि हम ऊपर काम करेंगे ये काम करेंगे ऊपर हम रहेंगे ज्यादा देंगे ज्यादा करेंगे भगवान उसको ऊपर ले जाएंगे हेलो नरेंद्र भाई को क्यों, क्यों सपोर्ट मिलेगा कोई उपकार नहीं है किसी का वो उसका लक्ष्य है कि विश्व में हमारा भारत का नाम बड़ा करने का है हम लोग सब इसके लिए प्राउड फील कर रहे हैं ये बात के लिए हम प्राउड फील कर रहे हैं आप पहले हम मैं जाता था मैं तो बहुत छोटा था हमारी कोई गिनती नहीं होती थी आज ऐसे कर इंडिया का प्राउड फील हो रहा है इसमें बोलते हैं गुजरात का ओ नरेंद्र भाई का गुजरात और इसमें जो बोले कि हम नरेंद्र भाई हमारी फैक्ट्री का ओपनिंग किया तो हमारा सम्मान बढ़ जाता है ये हमारों को हम सबको मान दिया ये हमको वहां तक ले गए हम अम हमारे बाप सातवीं पीढ़ी पांचवीं पीढ़ी कितना भी पैसा दे के जाएंगे कोई याद नहीं करेगा मैं बहुत सबानता से बोलता हूं पैसा कितना भी दे के जाएंगे अपने वारिसदार को कोई याद नहीं करेगा काम करके जाएंगे वो याद करेगा पूरी दुनिया हमने हम, समाज के लिए पैसा तो पेट तो हर कोई भरता है पैसे के लिए ही सब करता है पर पैसा हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए सुखा मेरी फैक्ट्री का मेरा स्वभाव ऐसा डायमंड में तो मेरे से काफी बड़ा भी लोग है मेरा लक्ष्य था अपना कारीगर का एक लाख से ज्यादा सैलरी होना चाहिए एक लाख से ज्यादा पर मत जब बारह हजार की सैलरी था तभी मैंने ये ब्रिजेश था धंधे में आया था धर्मेश धंधे में आया था हजी एंट्री हुई थी और उसको ट्रेन कर रहा था तभी मैंने मेरे को मैंने मेरा स्वभाव था कि बच्चे मेरा मानेगा वो बड़ा हो गया वो नहीं मानेगा अरे उसको मैं बात नहीं करता था बड़ा हमारा पार्टनर को बात नहीं करता था बच्चे को बात करता था एक लाख की सैलरी मेरे को करनी की दोनों इधर हाजिर है एक लाख की सैलरी करनी है एक लाख की सैलरी करने की है पंद्रह हजार सैलरी होती थी तो वो बेचारा बच्चा मेरा विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि पंद्रह हजार है वो बारह हजार है वो लाख कैसे पहुंचेगा लेकिन बच्चे थे ना इसलिए सुनते थे मेरे को डिमोटिवेशन नहीं किया हाँ होगी बापू जी होगी बापू जी होगी और हो गए एक लाख पंद्रह हजार सैलरी है पर मंथ की एवरेज सैलरी वहां तक हमने मैनेज किया पर मंथ की मेरा लक्ष्य यह था कमाने का नहीं था कि हमारी फैक्ट्री में हमारा एम्प्लॉय को एक लाख से ज्यादा कमाई होनी चाहिए पर मंथ आज हो रही है आज हो रही है भावना ये थी पैसा तो बाय अच्छा मैं आपको शुद्ध ने सिंपल मैंने पहली बार जरे चार सौ ने कार दिया था पहली बार 2013 में अभी तक तो मैंने चार हजार कार के लिए घर के लिए या तो गहने के लिए हमारा एम्प्लॉय को हम दे चुके हैं चार हजार लोगों को इसमें नेट दो हजार कार है तो मैंने कार दिया तो एक स्वाभाविक है मैंने जो कार कार दिया तो तो भगवान मेरी कार देने के लायक तो बनाएंगे ना मैं संकल्प लूं कि कार मेरे को देने का है तो मेरी लायक तो बढ़ाएगा ना भगवान इसकी जिम्मेदारी है ना बीस साल पहले नहीं पच्चीस साल पहले मैंने तीन हजार लोग थे तभी हम छोटा छोटा डायमंड बनाते थे तभी मैंने खाना चालू किया हमारा बजट पूरा प्रॉफिट जितना खर्चा साल का खाने का था बहुत मीटिंग चली बहुत बहस चली कि हमारा पूरा बजट चला जाएगा मैंने बोला एक बार करके तो देखो बंद कर देंगे नहीं पड़ तो ये कुदरत की जिम्मेदारी है हम पूरा हिसाब करने नहीं बैठे इतना हिसाब नहीं करे चालू तो करे चालू किया फायदा बताऊ आपको खाने का चालू किया पच्चीस साल हो गया आज छे हजार लोग हैं तो छे छह हजार का दोपहर का खाना फैक्ट्री पे बनता है और खाना फ्री कॉस्ट खाता है फायदा क्या हुआ पहला तो जाने दस टका समय बच गया घर पे खाना खाने जाता था आता था तो दस टका समय बच गया दस टका खर्चा उसका कम हो गया दस टका का काम करे तो खर्चा दस टका कम हुआ और काम ज्यादा हुआ तीन फायदा हुआ चौथा फायदा क्या हुआ मालूम है हीरा जो दोपहर को चोरी होता था वो बंद हो गया सोरने वाला दूसरी जगह पे चला गया और चौथा फायदा अंदरों अंदर खाना खाके पांच मिनट दादर में जहां भी जगह होते हो एम्प्लॉय बैठते थे और एक दूसरे डिस्कशन करते सेठ को इतना ज्यादा खर्चा परवड़ता होगा क्या तो दूसरा क्या जवाब देता था मालूम है बोले हम लोग छोटा सा ध्यान ज्यादा रखें तो सब खर्चा निकल जाता है ये मानसिकता चेंज हुई है। ये भावना चेंज हुई है। ये इसकी वजह से सक्सेस हो गई है खाली खाने की वजह से दुश्मन भी कभी कितना भी गराब है खाने की वजह उसका माइंड परिवर्तन हम ला सकते हैं ये हमारा संस्कृति है ये हमारा, हमारा धर्म है तो ये ये मेरा स्वभाव था करके तो देखो चार गुना फायदा हुआ एक रुपये का खर्चा चार रुपये का फायदा हुआ ये मैंने पच्चीस साल पहले सबको बताया ऐसे मैंने गाड़ी सबको दिया तो पांच लाख की गाड़ी दिया तो भगवान मेरे को पच्चीस लाख की तो आपको देगा ना मेरे पास तो ही होगी ना और पच्चीस मैंने तभी किसी ने बोला था कि आप यार पांच लाख की गाड़ी दी तो आप भारत की नंबर वन कंपनी होती तो क्या देंगे मैं मर्सिडीज देंगे मैंने वैसे ही बोल दिया तो मैंने चार पांच साल पहले अपने और मेरे साथ 25 साल से जो जुड़ा चार लोगों था चारों को मैंने एक एक करोड़ वाली वो जो जीएल दिया मर्सिडीज और मैंने बोला यार पांच लाख की दे सकता हूँ और जीएल मेरे दे सकता हूँ तो मेरे पास प्लान हो होगा ना सात साल से मेरे पास प्लान भी है हेलो तो भगवान ने मेरे को प्लान दिया हम देंगे इसका रिटर्न मिलेंगे इसका हिसाब किसी को पता नहीं है ये ये एम बी बीबीए को बैठता नहीं है सी को तो ऑडिट में आता नहीं है ये कभी नहीं बैठेगा ये देने वाली बात है इससे क्या फायदा होगा एक बार करके देखो मैंने बीरेन भाई को बताया आप घर बना लो एक बार इतनी फीलिंग आएगी इतनी खुशी मिलेगी इतनी हैप्पीनेस मिलेगी करके देख लो बात करने से कुछ नहीं होता चल बात सीधा से, से लास्ट एग्जाम्पल दे मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि समय एक घंटा मेरे को दिया है और मेरे को मालूम भी है एक घंटा पूरा होने लगा है बाद में किसका सवाल जवाब का जवाब दूंगा फायदा क्या होगा हम लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय जो है उसको हर साल यात्रा कराते हैं बीस साल से हमारा प्रोग्राम था एक मैं इसके साथ जाता पूरा एम्प्लॉय को फैमिली के साथ हमने घुमा लिया बाद में दूसरा राउंड चालू किया हमने दूसरा क्या किया उसका माँ बाप को यात्रा कराने का पंद्रह दिन माँ बाप को लेके पाँच सौ माँ बाप एक हज़ार लोगों उसके साथ दो सौ सर्वण घाटी महाराज आते कलाकार बदा सब लोगों को पूरी ट्रेन बुक करके जाते हैं ये पंद्रह दिन वहाँ रहते हैं हरिद्वार में और माँ बाप को ऐसा जैसे बच्चे को टूर ले जाते हैं सब गेम खिलाने का स्नान कराने का उसको एन्जॉय कराने का सब गेम उसके कंपटीशन करने का इनाम देने का शाम को गरबा करने का ये सब इतना एन्जॉय कराते हैं ये राउंड खत्म हुआ अभी हम लोग लो, इन लो को ले जाते हैं हम मीटिंग करे बोर्ड मीटिंग बुलावे विनोद भाई और बोले हेलो तो हमको ये फादर इन को ये यात्रा करने का क्या मतलब है धंधा में बिजनेस में ये बैठता नहीं है लेकिन ये कुदरत के अकाउंट में बैठता है पूरा घर लिए शुभकामना करते हैं मदर इन लो फादर इन लो भी अपनी बेटी की वजह से बेटी का हसबेंड की वजह से ससरा को यात्रा करने का मौका मिला वो कितना प्राउड बेटी के लिए कर रहा है उसके घर में कितना सुख बांटेगापीनेस कितनी आगे जाएगी और रॉयल्टी कितनी होगी ये कोई जानता नहीं है ये रॉयल्टी है साहब बॉस कोई दुनिया जाने के नहीं जाने मरने के समय पर दुनिया याद करे कि नहीं करे ये एक, -एक मदर इन लो फादर इन लो मदर फादर एक एक लोग हम लोग हमारे जितने भी हमारा एम्प्लॉय है सबकी शादी हम करते हैं हर साल बिना कॉस्ट उसका करवर भी हम करते हैं और ज्वेलरी का और कन्यादान करते हैं अभी तक हमने सभी पंद्रह साल से ये भी सिलसिला किया है ये कोई नहीं जानते लेकिन पूरा घर पूरा फैमिली जॉब ने की है तो वाइफ मना बोलेगी फदर, फादर मदर मना बोलेगा मदर इन लो फादर इन लो मना बोलेगा ये तेरे साला तूने मेरे को बाजू का गांव नहीं दिखाया इसने मेरे को हरिद्वार दिखाया तू यार यात्रा कराई मेरा सपना खत्म हुआ हमारे गांव में वडिलों की एक सपना होता है कि मैं हरिद्वार जाओ काशी जाओ मंदिर जाओ धाम की यात्रा करो ये उसका लाइफ का सपना है बहुत बड़ा सपना नहीं होता है बहुत छोटा सपना होता है हमारे लिए बहुत सिंपल काम है लेकिन आशीर्वाद जो मिलता है अनकंडीशनल अनलिमिटेड नहीं सोचा इतना आशीर्वाद मिलता है ये भावना काम करती है बाद में कोई भी है कितना भी आदमी है भावना के एक ही शब्द पर हम विकास कर सकते हैं हमारी भावना शुद्ध होवी जो हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए विजन साफ़ होना चाहिए नेचर की सब शक्ति जब भी हम ऐसा सोच के चलते हैं तो कुदरत की सब शक्ति हमको सक्सेस ले जाने के लिए काम लग जाती है ये मैंने भगवान देखा नहीं है लेकिन फीलिंग किया हुआ है और उसका मैंने अनुभव किया है मैंने ये इसलिए बात बताई मैं दुबई से आया कॉमर्शियल नहीं हूँ मैं फी नहीं लेता हूँ ना तो टिकट का पैसा लेता हूँ ना तो होटल का लेता हूँ खुद की गाड़ी से आता हूँ मैं इसलिए आया कि इधर सब बिजनेसमैन है मैं मेरा भारत की मेरी भावना का इन्वेस्टमेंट करूँ जैसे बीरेन भाई मैं तो उग गया पहली बार आप में जो उगे और भारत का आप भले दुबई में रहते हैं दुनिया इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं लेकिन कभी भी अपने परिवार को अपने गांव को और अपने देश को नहीं भूलने का ये लक्ष्य लेके जाओ भारत का भला होगा परिवार का भला होगा हमारे समाज का भला होगा तो आपका बाय प्रोडक्ट भला होगा ये भगवान की ये मोदी जैसे गारंटी बोलते ये भगवान की गारंटी है किसी की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान हमारे साथ रहेगा जब ये भगवान हमारे साथ होता है तो किसी की मजाल नहीं है कि हम नहीं सक्सेस हो सकते हमारा कोई बाल बाका कर सके मैं आशा रखता हूँ मैं वहाँ से स्पेशल मैं भी बहुत सोशल काम में बिजी रहता हूँ लेकिन मेरा आने का मकसद था लास्ट टाइम मैं नहीं आ सका था मैंने वचन दिया था यह टाइम में बिजनेस इतना सारे है किसी का माइंड में भी कोई एक संकल्प ले लेगा राष्ट्र के लिए समाज के लिए परिवार के लिए अपने इंडस्ट्री के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए तो भी मेरी फी वसूल हो गई है ऐसा समझ के मैं आया हूँ थैंक यू वेरी मच आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद थैंक यू साहब जी भाई थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने जी आई वॉज नॉट सपोज टू कम हियर ऑन स्टेज बट आई वॉज फोर्स टू कम हियर ऑन स्टेज देखिए हाउ ही हैज टचड पीपल्स हार्ट्स यही मैं बात बताने के लिए ऊपर आया हूँ हमारे जीतो मेंबर जिनेन्द्र भंडारी साहब ने मुझे एक पेपर हाथ में थमा के गए ही इज सो इम्प्रेस्ड एंड ही इज सो उनका हार्ट विद द ढोले वर्क जो साहुजी भाई कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे एक पेपर भेजा है बीरेन भाई आई वॉन्ट टू गिव ट्वेंटी फाइव लैक्स डोनेशन टू ढोले का फाउंडेशन फॉर वाटर रिजर्व प्रोजेक्ट जिनेंद्र भाई आप भी स्टेज पे आ जाइए अनाउंसमेंट फ्रॉम अवर चेयरमैन शुक्ला जी नहीं आप आइए सर आप आइए प्लीज इक्यावन लाख फिफ्टी वन लाख रुपीस फ्रॉम अवर जीटो थैंक यू इलेवन लाख फ्रॉम बीरेन जसानी हम लोगों ने लाइफ में कभी डोनेशन नहीं लिया है लेकिन ये लोगों की भावना देख के मैं जब भी ऊपर आया था तभी वहाँ बैठे बैठे मैं सोचता था आपको मेरे दिल की बात बताऊ सोचता था कि मैं मेरी बात में ये बात कहूंगा जो आप इधर नाम तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद मैं गौतम भाई को ये बताने वाला था आज बता प्रोग्राम होने के बाद मिट जाएगा लेकिन एक सरोवर का नाम लगाओ आपका 500 साल तक परिवार का नाम वहां रहेगा कोई मिटा नहीं सकता कुदरत ऐसा ये काम है नो डाउट एड ही है कॉमर्शियली है बिजनेस ही है आजीवन हमने हमने जहाँ सरोवर बनाया वहां मेकिंग बाई धोलकिया फाउंडेशन सो एंड सो नाम रखो डजेंट मैटर लेकिन मेकिंग तो हमारा नाम तो 700 साल 500 साल हजार साल ये सरोवर कोई ना मिट सकता है ना कोई मिटा सकता है और हमारा जनरेटर टू तो जनरेटर पीढ़ी टू तो पेढ़ी वो सरोवर का ख्याल रखेगा ये सरोवर का फायदा कितना एक एक कीड़ी एक एक पक्षी एक एक जीव दुश्मन का भी हम भला कर सकते हैं ये इसलिए यूनिक काम है सरोवर का जो ये और आने वाले समय में आपको बता दूं आपने ये बहुत रिस्पेक्ट दिया है मेरे को छोटा मोटा ये मोटिवेशन नहीं कि आप लोग भी साथ हैं नरेंद्र भाई की तरह साला बेटा करता रहे आपने जिम्मेदारी बढ़ा दी ना तो ये सरोवर का काम ये ये जो हम लोग काम कर रहे हैं दुश्मन का भी भला कर रहे हैं दुश्मन, का है। दुश्मन काम कभी का भला सोच नहीं सकते इसमें तो सबका फायदा होता है और आजीवन 700 साल 500 साल ये रहेगा ये पानी और आने वाले समय में पानी की गौर होने वाली है और मैं आपको बता दूं मैं मेरी फैक्ट्री में पानी खरीद रहा हूं। मेरे अब फैक्ट्री का बिल साठ साल का पानी का आता है और मैंने 140 सौ चालीस सरोवर बनाया उसकी कीमत और इसका लीटर के हिसाब से गिनती करूं ने तो हर साल हर साल आज ये धरती को तीस हजार करोड़ का पानी में दे रहा हूँ तीस करोड़ का ये वैल्यू हो रहा तो हम हो गए के नहीं हो गए हमारी आने वाली पेढ़ी के लिए रॉयल्टी दे हम जा रहे हैं पैसा नहीं देने का पैसा मैंने बच्चे को भी बोला है आप जल्दी से मेरा एडवांटेज लेके पैसा कमाना चालू कर दो मेरे पास जितना है ना वो तो मैं वहां पर के ही जाने वाला दे के नहीं जाने वाला हेलो आप इसका एडवांटेज लेके पैसे वाला बन जाओ वरना ये बापा ऐसा बापा नहीं मिलेगा मैं तो खर्च करके ही जाने और मैंने भी सपना भी देखा है सौ साल तक काम करने का इकसठ साल हुआ है चालीस साल बचा है सो आज तो मैं सौ साल में चार सौ साल का, का काम करके मरने का है। हेलो तो भगवान हमारी आयुष भी बदल सकता है ऊपर नाम रहेगा, किसी का नाम नीचे नहीं आएगा, ये पानी का काम ऐसा है मैं करता हूँ हमने टाटा ट्रस्ट ने टाटा ट्रस्ट ने रिसेंटली साठ मशीन हमको फ्री दे दिया बेटा अच्छा काम कर रहा है तू कर साठ मशीन पोकलेन सीतेर लाख का आता है न ऐसा मशीन फ्री दे दिया कर गुजरात में जहां भी करना जैसे हम तो मैं आपको ये आज ये भी एक दे दू कि आपका गांव में आपको पैसा देने का एक एक पैसे का काम करके आपका नाम लगा के आपके गांव में तड़ाव करके हमारी टीम हमारे गांव चली आएगी जिसको भी करने का है सबको हम करके देंगे आपका गांव में आपका सरोवर आपका खर्चा हमारी तो टीम मैनेजमेंट करेगी और हम लोग जो काम कर रहे हैं ना डेढ़ सरोवर में हमने डेढ़ करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं किया है पंद्रह सौ करोड़ रुपया सरकार खर्चा करे तो इतना रिजल्ट नहीं आती वो सरकार भी जानती है हमने डेढ़ सौ करोड़ में इतना काम इतनी लो कॉस्ट में काम किया है हमारा दस टका पंद्रह टका सरकार करती है वो हिसाब से और पूरा हंड्रेड परसेंट पब्लिक को और जीव मात्र को फायदा होता है ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है थैंक यू वेरी मच आप सब को थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सर वी विल टेक टू क्वेश्चन साव जी विल आंसर टू क्वेश्चन हमारे पास पाँच मिनट हैं हम दो क्वेश्चन ले सकते हैं तो हम आ, एक माइक पास करेंगे कोई को भी सवाल हेलो आज सॉरी बहुत आ रहे हैं और मुकेश भाई का कुछ अनाउंसमेंट है आ, मुकेश वुड लाइक टू डोनेट सर एक मिनट ग्यारह लाख रुपया टू फाउंडेशन हेलो आई have बिल्ट और so, uh, given donations टू temples और पार्टिसिपेटेड इन बोलीज एंड ऑल बिकॉज आई want एन inspiration टू आवर community, which कैन डू सच a वंडरफुल वर्क थैंक यू मेरे को हिंदी आता है इंग्लिश में अच्छा मैं हिंदी में बोलता हूँ सॉरी सॉरी आपने कितने मंदिर बनाए मंदिरों को डोनेशन किया या इसी को आप मेन काम समझते हो ना अभी तक मेरी मान्यता गलत थी गलत गलत नहीं बोलते लेकिन मेरी अलग थी लेकिन ये राम मंदिर बना और ये सोच आई मेरे बेटे ने कल रात को बताया कल से मेरी माइंड चेंज हुआ अभी तक मैंने एक मंदिर में डोनेशन नहीं किया है मैं ऑनेस्टली बता दूं कोई भी मंदिर में डोनेशन मारा, मारा, मेरा फादर ने काफी मंदिर में किया है मेरा फादर ने क्योंकि मैं डोनेशन फादर को पसंद है इसलिए मंदिर में देता था हलो मेरे को पसंद नहीं था लेकिन ये राम मंदिर का डेटा सुना और ये हमारी इकोनॉमी मजबूत भारत की कर सकते हैं हम मंदिर का बेस लेके टूरिस्ट डेवलप करें हमारा जो सोमनाथ मंदिर हमारा जो अंबाजी मंदिर ये नरेंद्र भाई काशी विश्वनाथ का मंदिर अपना बार ज्योतिलिंग है वो सब डेवलप करने वाले हैं और वो इसने श्रद्धा है कि एक एक बाजू छोड़ दो लेकिन उसको पता है कि ये बेस से हमारा भारत मजबूत होगा इकोनॉमी बढ़ेगी टूरिस्ट आएगा और हम लोग विकास कर पाएंगे ये ये मकसद की वजह से मेरा दो दिन से मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ है मंदिर में मैंने अभी तक डोनेशन फादर को पसंद है तो मैं फादर की खुशी के लिए देता था थैंक यू सर हमारे क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आएंगे क्योंकि हमारा बहुत ही सक्सेसफुल जीटो ऐप है जिसके थ्रू आपने अगर उसमें क्वेस्स डाले हैं तो वी हैव ऑलरेडी गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम रोहन सिरोया फ्रॉम सिरोया जूलर्स जीटो यूथ विंग इन प्रैक्टिकल ऑपरेशन ऑफ आर कंपनीज हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन गिविंग मोर टू आर एम्प्लॉयज़ एंड गोइंग आफ्टर हायर प्रॉफिट्स थ्रू कटिंग ऑफ अन फॉर द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स क्वेश्चन आपके लिए हिंदी वाला चाहिए हिंदी में बस सवाल करो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आजकल की जो कंपनी के operations हैं, आपको कैसे आपको समझ में आए कि आपको कहाँ वो एक लाइन uh, ड्रॉ करनी है जहाँ आप एम्प्लॉयज को ज्यादा ज्यादा दो और ज्यादा उनके लिए करो ज्यादा उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करो वर्सेस उसके अलावा आप हायर प्रॉफिट्स बनाओ कंपनी में तो कंपनी में प्रॉफिट्स की तरफ भागो या एम्प्लॉय को ज्यादा देखो मैंने प्रॉफिट की कभी मीटिंग नहीं किया हर साल हर महीने दो मीटिंग में करता हूं एम्प्लॉय की खाली पंद्रह साल से प्रॉफिट का कभी मैंने हिसाब नहीं पूछा है पहले मैं महीने में एक ही सवाल महीने की सैलरी क्या है एवरेज कितनी हुई कितनी बड़ी क्यों नहीं बड़ी क्या हुआ तो पैसा तो देने का है काम लेना ये बच्चे की जिम्मेदारी मैं तो पैसा दे दूंगा मेरा एक ही लक्ष्य है मैं टेक्निकली कुछ नहीं जानता मैं इतना ही जानता हूँ मेरे को ये लाख के नीचे सैलरी नहीं जानी चाहिए और आज भी मैं यही मीटिंग के लिए यही कॉन्सेप्ट के लिए कंपनी में मैं एक लीडर की तरह बैठा हूँ कि सैलरी मेरी जब भी बेटा ऐसा श्योरिटी दे, दे देगा कि मरते दम तक हम सैलरी कम नहीं होने देंगे तब मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा 100 परसेंट सेवा करूंगा और सेवा ही मेरा लक्ष्य है लेकिन ये के वास्ते मैं खड़ा कंपनी में एम्प्लॉय के और टेम्पो सैलरी कम होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसका लिविंग लाइफ मैंने हाई कर दिया है कमाई बढ़ा दी है तो उसको ये होना चाहिए लक्ष्य एक ही है कि उसकी हाई सैलरी रहे एब्सोल्यूटली थैंक यू सो मच साहब जी भाई मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कुछ लोगों को जो आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहेंगे कैन आई प्लीज़ इन्वाइट मिस्टर वालिद अब्दुल मलिक मोहम्मद आली एंड कैन आई ऑल्सो प्लीज़ इन्वाइट दिनेश कुमार महावीर चंद एंड विमल खिवेसरा प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए टू फेलिसिटेट श्री साहब जी भाई झोलाकिया एंड वन मोर बिग राउंड ऑफ अ एक बार जोरदार तालहाँ साफजी भाई के लिए